जेटेक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि ये एडवांस डिप्लोमा की क्लास चल रही है और अगली टॉपिक आज से जो स्टार्ट होनी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहले तो यही पता करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या। तो ये पब्लिक डिमांड पे चीजें बनाई गई है क्लाउड कंप्यूटिंग वाली, जिसका काम क्या होता है, स्टोरेज का। बेसिकली काम क्या होता है, स्टोरेज का। मतलब अगर हमको लगता है कि मैं चीजें ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मैं रेंट पे वो काम कर दो। जैसे आप ही बताओ, आपके वहां आटा पिसाता है कि नहीं पिसाता है? गेहूं पिसाता नहीं है। गेहूं पिसाता है तो आप क्या करते हैं, मशीन में खरीद लेते हैं। मतलब आपके वहां शादी है, काजू की बर्फी बनवा रहे हैं आप, तो क्या करते हैं, काजू भिगो के जाते हैं पिसवाने, ना पिसवाने जाता है कि नहीं, तो मशीन ही खरीद लेते हैं। नहीं, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर आपको लगता है कि हम डेली बेसिस पे खजूर पीसेंगे और पैसा हमारे पास सही है मशीन में खरीद लेते, होता कि नहीं होता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी यही है। अगर आप एक कंप्यूटर मेकर हैं, आप चीजें रखते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, और आपको लगता है कि हम अफोर्ड करते तो चीजें खरीद लेते, स्टोरेज खरीद लेते, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम रेंट पे अपनी चीजें कहीं और रखते हैं, वही काम होता है यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का। कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स, स्पेशली डाटा स्टोरेज। स्पेशली इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, डाटा स्टोरेज के लिए एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। कहा है, लार्ज क्लाउड ऑप्टेन हैव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मल्टीपल लोकेशन ईच ऑफ विच डाटा सेंटर। ये लिख लीजिए पॉइंट, देखिए हटाक्षी। तो क्या है, सिंपली पुट क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। जैसे समझिएगा, गूगल ड्राइव का नाम सुना आपने, गूगल ड्राइव पे डाटा स्टोर करते हैं, क्या वो सिस्टम में होता है? इस सिस्टम में होता है? नहीं, कहीं और होता है। बस हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी लॉगिन करके उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। यही क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम है। कहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट। और ये सारी कहानी किस पे होंगी, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट। लिख लीजिएगा ओवर द इंटरनेट, लिखिएगा यहाँ से, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। यहाँ तक लिखिएगा, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हो गया जी, हाँ वही, इतने उतना टाइम लग रहा है, टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हो गए ना, लिखो आ गया, बैठ गया क्या? देखिए, प्राइवेट क्लाउड या पब्लिक क्लाउड,
पब्लिक क्लाउड, अगला लिखिए हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, लास्ट लिखिए मल्टी क्लाउड। हो गया, ये सारे टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है, कर लिया होगा। हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड, कहा है देयर आर आल्सो थ्री मेन टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। एक दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे IaaS बोलते हैं, एक बोलते हैं PaaS और एक बोलते हैं SaaS। IaaS का पूरा होता है ये लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिए तो फटाक से। और अब क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आ गई। एग्जाम्पल में आप देखिएगा ये वाला लाइक यहाँ तक बस यही अभी की टॉपिक है, ये करके हम लोग को पढ़ना है। और लिख लीजिएगा इसमें डिजी लॉकर, डिजी लॉकर, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर, वन ड्राइव, ये चीज पढ़ा जाएगा। हाँ डिजी लॉकर भी इसी का पार्ट है, लिख लीजिए इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन आप लिख लीजिए। हाँ हुआ तेरा बॉक्स, पता नहीं मेरा बॉक्स तो नहीं है, तेरा होगा पता नहीं, नहीं है। हो गया, बस 3 दिन में 3 टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक दिन गूगल ड्राइव, एक दिन डिजी लॉकर और एक दिन ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव, कोई मतलब उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका HTML स्टार्ट हो जाएगा। ये गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब बेसिकली ये है कि हम यहाँ काम यहाँ करेंगे लेकिन डाटा जो स्टोर करेंगे वो इस सिस्टम में नहीं होगा, किसी और के पास है, लेकिन उसके पास रखने के लिए हम उसको क्या करेंगे, तो हमारी डाटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में, समझ गया ना, यही है इसका मतलब। जैसे अगर गूगल ड्राइव आप यूज करते होंगे तो हम जिस सिस्टम में अपनी ईमेल आईडी डाउनलोड कर लें, लॉगिन कर लें, वहां हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, है कि नहीं है, वही सिस्टम यहाँ पे कर लेंगे। पापा ये कहेगा डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, और जो भी सारी चीज डिलीवर होंगी वो किसकी मदद से होंगी, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट। अब क्या क्या होंगे, डाटा स्टोरेज होगा, सर्वर होगा, डाटाबेस होगा, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर होगी, ये सारी चीजें। व्हाट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, बार बार वही लाइन लिखिएगा, बार बार देखो। कहा है व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, द क्लाउड स्टार्टेड ऑफ टेक इंडस्ट्री स्लेंटर, अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट टेक्निकल डायग्राम आपने रिप्रेजेंटेड सर्वर एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वही IaaS या PaaS सबका ग्रुप याद कर लीजिएगा, पूछता है कितने टाइप के होते हैं,
वही चार टाइप के होते हैं, कई लोग मल्टी को काउंट नहीं करते हैं, तीन ही को काउंट ही करते हैं, ठीक है याद रखिएगा, कई लोग मल्टी को काउंट नहीं करते हैं। टाइप ऑफ क्लाउड कंट्री में यही IAS, PAS और SAS, SAS PAS AS IAS जो भी है सबको कंफर्म याद कर लिया हो जाएगा ना, बस अब 3 दिन में खत्म, फिर HTML आ जाएगा, आपको भी आ जाएंगे HTML पे, ठीक है। थैंक यू। कहाँ चला गया वो बताओ।